अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है और ईद का है आज 30। और अब मैं जाने लगी हूँ किचन में, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। शाम में आने वाले हैं गेस्ट, तो अब चलते हैं किचन में। और मैं ये बनाऊंगी आज सांचे में डोनट वाले में, क्योंकि माम को डोनट्स बहुत पसंद है और अगर टाइम मिला तो फिर हम डोनट्स ही बनाएंगे। तो ये जो इसके अंदर स्पून आता है, मेजरमेंट्स वाले ये स्पूनस, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है 1 कप मैदा में, और 1/4 क्वार्टर टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा जो आता है मीठा सोडा, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और चीनी, वो हम अलग से ब्लेंडर करेंगे और झटपट से केक बेक करने के लिए रख देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो चलें स्टार्ट। ये 1 कप मैदा में मैंने 1 कप लिया है शुगर और 1/2 कप लिया है ऑयल, तो इसके अंदर ऐड डालेंगे। अगर आपके पास लार्ज एग हैं तो मैं तो आप दो ले लें, और अगर आपके पास स्मॉल एग हैं छोटे साइज में तो 3 ले लें। मैंने यहाँ पे लार्ज एग लिए हैं 2, और उनको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। इसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा वनीला एसेंस, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस के। और अब इसके अंदर ये जो बैटर है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, दैट्स इट। अच्छा, इन सबको मैं करने लगी हूँ मिक्स। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क लिया है, उससे ये केक जो है ना आपका काफ़ी सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है। चलो मैं इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और फिर इसको डालेंगे इसके अंदर, और फिर इसको हम करने के लिए रख देंगे बेक। अच्छा, केक बनाते बनाते आइडिया आया, मैंने सोचा है कि हाफ ये प्लेन रख देते हैं और हाफ में डालती हूँ मिक्सर में मैंने कोको पाउडर, और फिर इसको मिक्स करके और ये स्टेप से हम डाल देंगे। इसको किया हल्का सा डैप ताकि जो इसके अंदर एयर आ रही होती है वो निकल जाए। और अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, 50 to 55 मिनट्स के लिए बेक होगा। फ्रेंड्स, और ये बन गया है हमारा केक, बेक हो गया है। और आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये मैंने डोनट केक बनाया था। मैंने हाफ मिक्सचर इसका रखा था प्लेन में और हाफ मैंने मिक्सचर रखा था ऊपर से चॉकलेट में। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने जल्दी में थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जल्दी से केक को सांचे में रखा और वो सांचे जो था अंदर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो साइड से ये डोनट का स्टाइल देख सकते हो, ये हमारे डोनट का केक का स्टाइल। एनीवे, जब हम अपनी अच्छी अच्छी खूबियाँ भी ये चैनल को दिखा रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा जो हमसे फॉल्ट हुआ है, हमसे मिस्टेक हुई है, वो भी हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। कि ज़रा सा वो पतीला जो था जिसमें मैंने स्टोव बेकिंग की थी वो रखा था, तो वो थोड़ा सांचा ऐसे टेढ़ा हो गया होगा। तो देखें केक जो है ना इस साइड से थोड़ा सा कर्व इसका निकल गया है। खैर, इतनी कोई परेशान घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं यहाँ से वो करूँगी कट, क्योंकि हमने ये केक जो है बनाया था टी टाइम के लिए, तो हम इसको करेंगे कट। हमने ये बस ऐसे ही ब्रेकफास्ट के लिए और जो टी टाइम के लिए हम लोग केक इंजॉय करते हैं, तो ये कट कर। एनीवे, गेस्ट का आना हो गया था कैंसिल, तो क्यों सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए, बाहर आउटिंग पे जाया जाए बच्चों के साथ। तो फिर हम लोग गए थे बाहर आउटिंग पे और हम लोगों ने बाहर किया डिनर, और कुछ अपनों से मिलना बाकी था। पहले हम लोग वहाँ पे गए और उन लोगों से मिले, और फिर उसके बाद हम लोग गए बाहर आउटिंग पे बच्चों के साथ इंजॉय किया। पिज़्ज़ा हम लोगों ने तो डिनर कर लिया था बट बच्चों ने नहीं किया था। तो एनीवे, अब चलते हैं हम पिज़्ज़ा पॉइंट पर और वहाँ पर इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ डिनर। और अब हम आ गए हैं पिज़्ज़ा पॉइंट पर, हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। हाय महा, ये वाला खाना है आपको? अभी हाँ, अभी आप कहाँ हो? पिज्जा लिखा है वहाँ पे, पिज्जा पॉइंट। पहले
और अब हम आ गए हैं घर पर और हमने पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया। और माम अब आप क्या कर रही हैं? और माम जो है पापा के साथ खेल रही हैं और अभी हम भी इंजॉय कर रही हैं पापा के साथ। और बहुत आज का तो दिन था बहुत अच्छा गुजरा, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभिया ने तो अपनी पसंद का मिकी माउस ड्रेस पहना था और माम ने पहना था आइसक्रीम ड्रेस है माम, ये माम ने मेहंदी लगाई थी। और आज हम बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुए थे, गेस्ट का आना कैंसिल हो गया तो फिर हमने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए। तो फिर हम लोग गए थे बाहर आउटिंग पे आइसक्रीम खाने और हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा है ना। और आज का जो व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब कल का दिन देखते हैं कैसे गुजरता है, अगर इनके पापा की हुई छुट्टी तो फिर हम लोग जाएंगे कहीं दोबारा से घूमने है ना, सफ़ा मरवा के घर जाएंगे। ठीक है हाँ, अपनी बबली चॉकलेट ठीक है। अब छोटी वाली चाहिए, वो तो आपके बैग में होगी, आप ये खा लेना, आपको बबली वाली पसंद है ना। तो अब हम केक इंजॉय करेंगे और हम लोग चले गए थे बाहर घूमने तो हमारा केक जो हमने ऐसे ही रख दिया था और अब हम इंजॉय करेंगे केक। वाओ लुक सो डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त यम्मी केक बना है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और फिर मैं आपको नेक्स्ट रेसिपीज भी शेयर करूँगी और हम ये ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, करना। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं और मम्मा की जो रेसिपीज़ हैं वो कैसे लगती हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद नहीं है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, आई डोंट माइंड है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।